प्यारे बच्चों, कक्षा 3 का पहला पाठ इंग्लिश का वर्क वाइल यू वर्क, इसका मतलब कार्य करना, जब आप कार्य करो। डिस्कस व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो अपने जब भी स्कूल का टाइम होता है सुबह 7:30 या 10:30 तब अपने स्कूल जाते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock, एट 8 o'clock एंड 10 o'clock। डू यू प्लेइंग ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, क्या आप अध्ययन काल के दौरान खेलते हैं, तो आप इसका अध्ययन काल के दौरान हम नहीं खेलते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे नो वी डू नॉट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, हम अध्ययन काल के दौरान नहीं खेलते हैं। लेट्स सिंग दिस रेम, आओ इस कविता को गाते हैं, तो इसको वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो इसका मतलब है बच्चों कि वर्क वाइल यू वर्क, जब आप कार्य करो तो आप कार्य करो, अपना कार्य पर ध्यान दो, जब आप कार्य करो तो अपना ध्यान कार्य पर ही रखो, होमवर्क पर रखो। प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेलने लगो तो सिर्फ अपना ध्यान खेलने में रखो। दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे, यह खुश मिजाज रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है, एक सबसे अच्छा रास्ता है। ऑल दैट यू डू डू विद ऑल योर माइट, थिंग डन बाई हेल्प्स आर नेवर डन राइट। ऑल दैट यू डू डू विद ऑल योर माइट, आप जो भी कार्य करें उसे बिल्कुल तसल्ली से करें, ठीक है, उसे पूरा करें, ठीक है ना। थिंग्स डन बाई हेल्प्स आर नेवर डन राइट, जो भी चीज़ें आधी अधूरी की जाती हैं वो कभी भी सही नहीं होती हैं। वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल, जो भी आप एक टाइम में कार्य करें उसे अच्छी तरीके से भली भांति करें। इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल, यह एक बहुत अच्छा नियम है, जैसे कि बहुत सारे इसके बारे में बताते हैं। मोमेंट्स आर यूजलेस, ट्रिपल अवे। मोमेंट्स मतलब जो आप व्यर्थ में जो क्षण बताते हैं वो क्या हैं, यूजलेस हैं, ठीक है, उनको हमारे को दूर करना चाहिए, ठीक है। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसलिए आप जब भी कार्य करें तब कार्य करें, और जब आप खेलें तब आप खेलने पर ही ध्यान दें। अब आप इसके ग्लोसरी देख लीजिए, मीनिंग इसके आप देख लीजिए। गे, गे का अर्थ होता है बच्चों खुश मिजाज। माइट, माइट होता है पराक्रम शक्ति, पूरे मन से कार्य करना। हाल्स, हाल्स होता है आधे अधूरे अधूरे मन से, ठीक है। रूल, रूल का अर्थ होता है नियम। मोमेंट्स होता है अल्प, अत्यल्प समय, ठीक है। ट्रिपल अवे बर्बाद करना, ठीक है। तो ये आपको ग्लोसरी जिसकी याद करनी है। अब एक्टिविटी फर्स्ट देख लीजिए आप। टेक राइट द वर्क यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, पुट अक्रॉस टू अनदर, जो आप कक्षा में अध्ययन करते समय कार्य करते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए, सही का निशान लगा दीजिए, और जो आप कार्य नहीं करते हैं उस पर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो देख लीजिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स, क्लास में आप अपने मित्रों के साथ बातें करते हैं क्या, ठीक है, तो बातें नहीं करते हैं, इस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। कुछ बच्चे बातें करते हैं तो उनको क्लास में पढ़ाई के दौरान बातें करना छोड़ देना चाहिए। प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो नहीं खेलते हैं, इस पर भी क्रॉस का निशान आ जाएगा। अगर आप कुछ बच्चे खेलते हैं तो वो क्लास में खेलना छोड़ दें। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनते हैं तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए, बिल्कुल सुनते हैं। क्वरल विद योर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इस पर नहीं करते हैं क्रॉस, अगर करते हैं तो बंद कर दें आज से। रीड योर सब्जेक्ट बुक, आप अपने विषय की किताब पढ़ते हैं तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए। तो ये इसके हो गए ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ कब खेलते हैं, तो आप लिख देंगे वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन फ्री टाइम, हम मतलब जो फ्री टाइम होता है, जो फुर्सत का समय होता है, उसके अंदर अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम,
क्या घटना घटित होती है जब आप अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं करते हैं, तो अपने आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपको होमवर्क करने के लिए कहते हैं, वो आपको डांट भी लगाते हैं, ठीक है ना? तो इसका उत्तर आपको लिख देना है। अब आगे देख लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोएम, ठीक है? आप एच, तो ये हैप्पी है, एच ए डबल पी वाई, ठीक है, ए आ जाएगा इसके अंदर। तो बी है एम खालिस्तान जी एच, इसके अंदर आ जाएगा आई, एम आई जी एच टी। हाल्प्स, ये हाल्प्स है एच ए एल वी ई एस, ए आ जाएगा पहले के अंदर, इसके अंदर ए आ जाएगा और इसके अंदर ई आ जाएगा। अब देख लीजिए, डी है मोमेंट्स है, ये एम ओ एम ई, पहले में वो आ जाएगा और दूसरे में ई आ जाएगा। ट्रिपल अवे टी आर ई, आप देख लीजिए यहाँ पर मोमेंट्स आर यूजलेस, ठीक है, तो ट्रिपल अवे इसके अंदर आपने ये देख लीजिए, ये रही ट्रिपल की स्पेलिंग टी आर आई एफ एल ई, ट्रिपल, ठीक है, तो ये आपने स्पेलिंग आपके लिख देनी है इसके अंदर से, ठीक है। अब देख लीजिए, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, ठीक है, आपने पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सुना, तो आप कॉलम को ध्यान से एक दो ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करिए। ऑल दैट यू डू, ये आपको देख लीजिए, ये आपको पोएम में नेक्स्ट लाइन, इसके आगे की लाइन लिखनी है, इसके आगे की लाइन लिखनी है, इसके आगे की, इसके आगे की, तो ये आपको खुद करना है, ये सवाल आपको पोएम में देख करके आपको खुद करना है कि इसके आगे कौन सी लाइन आ रही है पोएम में, इसके आगे कौन सी आ रही है, इसके आगे, ठीक है ना? तो आगे देख लीजिए, देर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इनडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, देख लीजिए, इनडोर रूम होते हैं और जो आउटडोर रूम होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, कुछ खेलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको छांट के बताने हैं कि कौन से इनडोर गेम हैं और कौन से आउटडोर गेम हैं। क्रिकेट ये आउटडोर गेम है, टेनिस ये आउटडोर गेम है, खो खो ये भी आउटडोर गेम है, स्नेक एंड लैडर ये इनडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, बास्केटबॉल आउटडोर गेम है, लूडो इनडोर गेम है, चेस इनडोर गेम है, कबड्डी आउटडोर गेम है और कैरम इनडोर गेम है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर दे देना है बच्चों। अब देख लीजिए, ये इसके अंदर लिख देने हैं आप, ये दो बैलून बने हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने आउटडोर गेम लिख देने हैं, ठीक है, ये रहे आउटडोर गेम और ये इसमें आपने इनडोर गेम लिख देने हैं यहाँ नीचे। अब आप देख लीजिए, राइट टू रेमिंग वर्ड्स फॉर ईच प्ले, तो आपने इसके रेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, रेमिंग वर्ड आपने इसके अंदर छांट लेने हैं अपनी पोएम में से, प्ले की जगह कौन सा शब्द आएगा, क्ले आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके शब्द दिए हुए हैं पोएम में से, प्ले अवे, ठीक है, ये आप शब्द इसके अंदर ढूंढ, वे, ठीक है, ये आप शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर रेमिंग वर्ड, माइट, स्लाइट, ठीक है, साइट आप लिख सकते हैं, वेल, वेल का आ जाएगा, पेन का आ जाएगा, तो ये आपने इसमें से आप अपने पोएम में से ढूंढ करके आप स्वयं इसको करने का प्रयास करें। अब आप देख लीजिए, देयर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो, थिंक एंड टेक द राइट पिक्चर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, ठीक है, आप सही पिक्चर जो है उसको सही का निशान लगाना है, ठीक है, और जो गलत है उसको गलत का निशान लगाना है। अब देख लीजिए, ये इसका जो आसन है ये सही नहीं है, ठीक है ना, पहली पिक्चर के अंदर ये सही नहीं है, ये क्रॉस आएगा इसके अंदर। ये भी देखो, खाना खाते समय टीवी देख रहा है, टीवी हमने को नहीं देखना चाहिए खाना खाते समय, ठीक है। और अब आगे देख लीजिए, आगे ये देखिए, काफ़ी सामान रख रखा है आगे की तरफ, इस पिक्चर के अंदर काफ़ी सामान रख रखा है इसने आगे, ये भी गलत तरीका है, ये फ़ोन पे बात कर रहा है, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये बच्चे देखो, ये बच्चे टीचर पढ़ा रहा है, ये इधर उधर देख रहे हैं, ये भी गलत है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, देखिए ये पढ़ाई सही कर रहे हैं, ये सही का निशान आप लगा दें इस पर, ठीक है। अब देख लीजिए, एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कैन यू मेक ए बोट
यस आई कैन, क्या आप एक बोट एक किश्ती बना सकते हो? ठीक है, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैन यू प्ले फुटबॉल? नो आई कांट। अगर आप यस कर सकते हैं तो यस आई कैन। नाउ वर्क इन पेयर, द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन गिवन बिलो, द अदर विल आंसर। कैन यू सिंग? यस आई कैन, क्या आप गा सकते हैं? तो आप लिखेंगे यस आई कैन। कैन यू स्किप, क्या आप रस्सी कूद सकते हैं? यस आई कैन स्किप। तो कैन यू राइड ए बाईसाइकिल? यस आई कैन राइड ए बाईसाइकिल। तो इस तरह आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आप इसका उत्तर दें। अब आप देख लीजिए एक्टिविटी फोर्थ, आप देख लीजिए। ठीक है, नंबर द जंबल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट ए स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, अब आपको ये स्टोरी है ये आपको प्रॉपर क्रम में लिखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आएगा? द ग्रास होपर बेग्ड फॉर सम फूड, केप्ट सिंगिंग एंड डांसिंग। पापा तो ये आपको स्टोरी जो भी है इसके अंदर कौन सी आएगी, इसके अंदर आपको ये खुद आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ये लिख लेनी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें सभी बच्चों के पास, सभी अभिभावकों शिक्षकों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।